इस फोन के डिस्प्ले को देखो, 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड पावरफुल प्रोसेसर, मस्त डिजाइन, बढ़िया कैमरा, बिग बैटरी, फास्ट चार्जर, ये सब 13999 में। क्यों हिला डाला ना? सो ये फोन है Realme 10 सीरीज का। हर कोई Realme 10 Pro, Pro Plus इन सब की बात कर रहा है यार, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन वो कहते ना, इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड। आहा, मोटिवेशनल स्पीकर मनु साहब। ये वही डायमंड है जिसको सब लोग मिस कर रहे हैं, Realme 10। इस फोन के ऑन पेपर जो स्पेक्स है, इस फोन के हिसाब से बहुत तगड़े हैं। ये सब ऑन पेपर है तो टेस्ट करना बनता, क्यों जनता? इसी बात पे आपकी तरफ से फटाफट से एक लाइक बनता। सो अगर आज आपका बर्थडे है, आपके नाम पे काट देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चू चू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चू चू, हैप्पी बर्थडे चू। ओ हो 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 हो, Realme ओहो, मोड़ते हैं तोड़ते हैं, ओके अच्छी क्वालिटी है। और ये रहा के अंदर, ये फास्ट चार्जर, ये टाइप सी केबल, दिस इज लंबा। इसके डिजाइन को लेके मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वाओ सीरियसली, ये फोन देखने में काफी अच्छा लगता है, इन हैंड फील भी काफी अच्छा है, अच्छा फील होता है। इसका जो बैक है ये पता नहीं चला यार, पॉलीकार्बोनेट है या फिर ग्लास है। यस, बैक पॉलीकार्बोनेट है, बट इसमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है 176 ग्राम, और मुझे बहुत लाइट वेट लगा। इवन स्लिम भी है, 7.95 mm इसकी थिकनेस है, एंड फोन देखो काफी पतला है यार, नाइस। इसका डिस्प्ले 6.4 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के साथ, मतलब डीजे राजेश है। ओहो, स्मूथ है यार। इस प्राइस पॉइंट पे सुपर AMOLED प्लस 90 हर्ट्ज, इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा Realme को वेल डन। इसके बेजल्स एक बार देखते हैं, ये देखो ऊपर की साइड, साइड में काफी कम बेजल्स हैं, बराबर बेजल्स हैं जिससे काफी कम लगता है। नीचे चिन के साइड में एवरेज बेजल्स है। 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। और अगर हम देखो, ओह भाई साहब, इतना जूम कर सकते हैं डिस्प्ले में, ये देखो यार, ये अच्छा है, जूम कर लो 8x तक। अगर मैं कलर्स देखूं, वेल है तो ये सोनी जोक। okay, डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, डीप ब्लैक है, पंची है, वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। साइड व्यू एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो साइड से एकदम विजिबल है, नीचे से देखो, ऊपर से, साइड से भी सही है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले सुपर है, मतलब देखने में आपको मजा सा आ जाएगा, बोले तो डिस्प्ले खूब भालो। इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 है, 1 2 3, भाई साहब कान बच से गए मेरे, बच गए भाई साहब, बच गए, बच गए। नाइस, गोरिल्ला ग्लास वर्क्स। वैसे इसमें 1000 nits की पीक ब्राइटनेस है, ये देखो ये लोएस्ट है, ये 25% है, ये 50% एंड 50% में ही ब्राइट इनफ है देखो, और ये 100% डिस्प्ले इज ब्राइट इनफ यार। नीचे के साइड स्पीकर है, ये सिंगल स्पीकर, बताओ स्पीकर भी सिंगल है, टाइप सी, और ये माइक्रोफोन 3.5 mm जैक गड्ढा है। सिंगल स्पीकर टेस्ट कर लिया जाए, सही में ठंड हो रही है दिल्ली में, एकदम मनाली वाली फीलिंग आ रही है, घूमने के पैसे बच गए। पर इट इज लाउड एंड क्लियर। राइट हैंड साइड में ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये पावर बटन है, और ये वॉल्यूम बटन, ऊपर नॉइस कैंसिलेशन, और ये देखो फिंगरप्रिंट टच करते अनलॉक हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट है, और भाई साहब ये है ट्रिपल स्लॉट। बैक साइड में 50+2 megapixel का डुअल कैमरा है f/1.8 अपर्चर के साथ, डुअल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड नहीं है, और ये फ्रंट 16 megapixel का है। टेस्ट करते हैं कैसा कैमरा है। ओह, कैमरे में तो बहुत अच्छा दिख रहा है फोटो। ओके, ये 1x और एक ये 2x, ठीक है। फोटो भाई साहब 50 megapixel की, कलर्स बहुत अच्छे दिए यार, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में बहुत मस्त कलर है यार, ये देखो। हाँ थोड़े से सैचुरेटेड लगते हैं, बट फोटोज बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और एक ये देखो 2x, और इसमें अगर हम जूम करते हैं डिटेल्स अच्छी है, ये देखो ये पोर्ट्रेट मोड से ली गई है, और इसमें एजेस थोड़े से बेटर हो सकते थे यहाँ पर, बाकी स्किन टोन बहुत अच्छा दिया है, ये देखो इनफ डिटेल है। और ये देखो भाई साहब, लो लाइट में, एक्सट्रीम लो लाइट में, कह सकते कोई लो लाइट की है, लो लाइट में भैया कैमरा पास कर गया, देख लो। खूबसूरत दिख रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ। ओ भाई साहब, सेल्फी में डिटेल्स देखो यार, 16 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत अच्छी है, ये देख रहे हो मूछें दिखा दे रहा है, समझ जाओ, बहुत प्यारा एक सॉफ्ट टच देता है। और सेल्फी में जो पोर्ट्रेट मोड है, उसमें जो एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छा है, ये देखो काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। एंड सेल्फी इज ऑल्सो गुड, देखो नाइट मोड है, स्ट्रीट मोड है, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट, 50 मेगापिक्सल, और एक मोर का ऑप्शन, मोर में आपको फिल्म, डुअल व्यू सारे फीचर्स मिल जाते हैं, प्रो मोड है, स्लो मोशन है, डुअल व्यू है, वीडियो में आप 720p और 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p 60fps तक है, ये देखो ईएएस नहीं है। मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर इसमें, 6nm वाला चिप है, एंड्रॉइड आप एक बार देख लो 388,000 प्लस निकल के आया है, एंड इट्स अ वेरी गुड स्कोर इन 14,000 रुपए वाले स्मार्टफोन के लिए। थ्रॉटलिंग टेस्ट करके भी हमने देखा, भाई साहब पूरा ग्रीन है देखो ऊपर ही ऊपर, सीपीयू थ्रॉटल परसेंट 95% निकल गया है, इसका मतलब समझ रहे थे, चिप काफी अच्छा है, वेल ऑप्टिमाइज है,
सीपीयू थ्रॉटल नहीं करता, हीटिंग वीटिंग इशू नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही दुखद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, टाइम आ चुका है वीरो गेमिंग का। एक्टिंग है, स्मूथ है, बैलेंस है, एचडी है। ओके, एचडी और हाई पे सेटिंग्स है, हाई सेटिंग्स है और स्मूथ और अल्ट्रा का ऑप्शन है। आर यू रेडी? तो जल्दी से वो लाइक बटन दबा दो। स्मूथ अल्ट्रा पे ग्राफिक्स लुक्स गुड यार, ये देखो अच्छे ग्राफिक्स है, क्या बात है। और वैसे यहाँ पे देखो गेम मोड भी है, प्रो गेमर मोड है हमारे लिए। बाकी ये देखो यहाँ पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं गेमिंग के लिए। रियलमी ने गेमर्स का ख्याल रखा है। देखो ये फर्स्ट इंप्रेशन में जो ग्राफिक्स है वो अच्छे दिख रहे हैं। देखो इसको हम यहाँ जाकर मारे, अरे ये देखो हो जाती कभी कभी। एक चीज तो कहनी पड़ेगी, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट और जो प्रोसेसर है वो ग्राफिक्स काफी अच्छे दे रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। कभी कभार एक दो बार हल्का सा फ्रेम ड्रॉप है बट लैग नहीं है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। ओ भाई चाचा बेइज्जती हो रही है भाई साहब, एक दो को मानना पड़ेगा यार वरना पीरो मनोसारू की बेइज्जती हो जाएगी यार। ओ अरे हमसे पंगा लोगे, अरे पीरो मनोसारू इज हियर, पीरो मनोसारू। आज दिन खराब है भाई साहब। अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ इस फोन में, मैं कहूंगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आ रहा है 14,000 रुपए के आसपास, उसके हिसाब से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इस फोन में मुझे काफी अच्छा लगा। ग्राफिक्स अच्छे हैं एंड परफॉर्मेंस भी मुझे फोन की काफी अच्छी लगी। ये फोन आपको दो स्टोरेज वेरिएंट में मिल जाएगा, 4GB 64GB और 8GB 128GB। रैम एक्सपेंशन भी है अप टू 8GB। मल्टीटास्किंग चेक करते हैं, सारे ऐप्स मैंने क्लोज कर दिया। ओके इसे ओपन करते हैं, फास्ट है ये भी, फास्ट है क्रोम, क्या बात है ये भी फास्ट है, गैलरी ओहो, कैमरा ओहो ये भी फास्ट है, और एक खोलते हैं हम यूट्यूब ओहो ये भी फास्ट है। मल्टीटास्किंग भी अच्छी, कोई लैग जिटर नहीं है। 5000 mAh की बैटरी है और इसके साथ 33W का सुपरवुक चार्जर है। ओहो ओहो, इसमें सबसे पहले देखो लेटेस्ट UI है, रियलमी UI 3.0 है, ये है एंड्रॉइड 12 पे बेस। बाकी फोन में थोड़े से ब्लॉटवेयर है, ऐसे ये डिलीट हो जाते हैं। एक और चीज, एड का इशू भी नहीं है, स्कैन करते वक्त यहाँ पे आपको कोई एड नहीं मिलते हैं। डुअल 4G फोन है, 5G नहीं है। बट अगर हम इसके प्राइस चेक करते हैं, जो इसकी प्राइस सिंगल क्या है 13999, और मैंने ऑनलाइन चेक भी किया था 1000 रुपए का करीब कार्ड डिस्काउंट में मिल जाता आपको। 12999 में इस फोन को आप बाय कर सकते हो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आ रहा है। सुपर AMOLED 90Hz मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन में अमेजिंग है। कैमरा है फ्रंट और रियर, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। परफॉर्मेंस इज आल्सो गुड, अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। बैटरी अच्छी है, फास्ट चार्जर है, डिजाइन लुक इन हैंड फील वो भी काफी अच्छा है। हाँ, फोन 5G होता मजा आ जाता, बट 5G के अलावा इस फोन में वो सारी चीजें हैं, सारे फीचर्स हैं जो डेफिनेटली इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्या है आपके ओपिनियन, फैला देना दिल बड़ा है तो। बाकी मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and stay safe.